आयु गांधीजी बद्दल काय माहित आहे का आपल्याला? शाळेतच गेलेलं नाही. कोण आहे हे लोक? कहां से आते हैं? खूप भारी होते गांधीजी, खूप भारी होते. हा, देशासाठी काय काय करून गेले ते. काय काय करून गेले? सो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आपका अपना दोस्त शफीक खान. आज आप देख रहे हो फेमस औरंगाबादी. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ, गांधी जयंती. हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू. सबसे पहली बात तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि गांधी जी के बारे में कितना जानती है हमारी पब्लिक. चलो हम उनसे पूछते हैं वन बाय वन. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा. और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. चलो, गांधी जयंती के इस अवसर पर हम जनता से जानना चाहेंगे कि ये गांधी जी के बारे में कितना जानते हैं. तो हमारे साथ में हमारे भाई. गांधी जी एक सत्याग्रह आदमी थे. अच्छा, उनका पूरा नाम? महात्मा करमचंद गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी. मोहनचंद करमचंद गांधी. मोहनचंद क्या? मोहनदास. मोहनदास वही. गांधी जी नहीं मालूम. अच्छा, गांधी जी का पूरा नाम? तो मोहनदास करमचंद गांधी. अरे भाई सही. अगर दो और सही जवाब दे दिए ना भाई को अपने तरफ से कब बैग में रखा हुआ. शादी नहीं हुई थी गांधी जी की? शादी नहीं हुई थी? नहीं. क्या बोलते? मालूम ही नहीं मेरे को. मालूम क्या बोलते गांधी? नहीं 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 हुई थी. शादी नहीं हुई थी? नहीं. कंफर्म? कंफर्म एकदम. हाँ थी ना. क्या नाम था? कस्तूरबा. ये तो नहीं बोल रहे थे यार. थी ना गांधी वाइफ थी? हाँ, पुणे करार में थी ना वो. मतलब उनको वाइफ थी? हाँ. पक्की बात है? हाँ. दो सवाल सही हो गए भाई. 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? गांधी जयंती. 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है? गांधी जयंती. गांधी जयंती बराबर. गांधी जी का पूरा नाम? उन्हें मालूम नहीं. अरे मेरे को नहीं मालूम. महात्मा गांधी. कंट्रोल कंट्रोल. अच्छा, दो शब्द गांधी जी के. अभी क्या? खूब भारी होते गांधी जी. खूब भारी होते. हाँ, देशासाठी काय काय करून गेले ते. काय काय करून गेले? मुझे कुछ दिखाएंगे जरा. 2 अक्टूबर एक्चुअली ना क्या महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है. महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद्र गांधी, जो कि उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में. गुजरात में आता है पोरबंदर. हाँ, क्या बात है. अच्छा, गांधी जी की वाइफ का नाम? गांधी जी का वाइफ का नाम तो नहीं यार. वाइफ थे उन? हाँ यस. मतलब जिनको फ्रंटियर ऑफ गांधी बोला जाता था, उनका नाम फ्रंटियर ऑफ गांधी? हाँ, मतलब जो गांधी जी को हमेशा उनके ऊपर प्रोटेक्शन देते थे. बॉडी गार्ड ऐसे समझो. बॉडी गार्ड? नहीं नहीं, इतना बनाया. गेस कौन हो सकता? फिर भी गेस तो नहीं कर सके यार. बस उनका गेस गेस कुछ तो भी होगा यार. क्या नाम? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. अरे वो इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा? नहीं नहीं वालों. नहीं वालों. अच्छा चलो, कोई बात नहीं. थैंक यू यार दोस्त. कोई बात नहीं. हाँ, गांधी जी के बारे में दो शब्द कुछ. हाँ, गांधी जी तो अपने राष्ट्रपिता है. उन्होंने आज़ादी में अपने लिए तो बहुत ये करे, संघर्ष. हाँ, और जो अपनी नरम खून गरम खून. हाँ, ये चला है. नरम खून के हिसाब से चले उन्हों. गरम खून वालों को थोड़ा एक ये रखते थे उन्हों कंट्रोल में. हाँ, और उनका जो ये था रास्ता वो सही था. उसकी वजह से आज अपन यहाँ पे है ना. जो आज़ादी मिली अपने को, जो इंडिपेंडेंस आज अपन ये करते मनाते हैं, उनकी वजह से तो है ये. उन्होंने बहुत कुछ ये करा है उन्होंने. गांधी जी है, उनका पूरा नाम आपको पता है? करमचंद महात्मा गांधी. करमचंद महात्मा गांधी, ठीक है. अच्छा, गांधी जी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? दोनों शब्द. मैं तो यही चाहूँगा कि उनके मार्ग पे सब चले. उन्होंने जैसे सत्याग्रह हर चीज़ के लिए किया था, वैसे सबने सत्याग्रह करके. और जो बोलते थे कि सच बोलो, किसी ने अगर कुछ आपको बोला है तो उसके उसको गुस्से में मताओ, और एक गाल पे मारता है तो दूसरा गाल आगे करो. इस दिन पे गांधी जी का जन्मदिन होता है. हम उसको उनको राष्ट्रपिता माँ बोल के संबोधित करते हैं. उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और स्वराज के अपने भारत को स्वतंत्र मिलने के लिए उनका मूल्यवान योगदान है. गांधी जी के मार्ग के बारे में आप बताइए. गांधी जी का मार्ग अहिंसा था. वो अहिंसा के मार्ग पर चलते रहते थे. उन्होंने अहिंसा का मार्ग स्वीकार करके ही भारत को स्वतंत्र दिया है. अच्छा भाई, गांधी जी के बारे में क्या जानते? मोदी जी के बारे में. मोदी जी नहीं, गांधी जी. गांधी जी. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?
आप उनके बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में तो ये जानते हैं कि उन्होंने देश आज़ाद किया था हमारा, और उनका पूरा नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पूरा नाम, क्या बात है। और नारा क्या था? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और एक आधा कोई नारा? और उन्होंने बोले थे अगर मैं चल भी गया तो मेरी एक निशानी रहना, तो उनकी हर पैसों पे उनकी फोटो आती रहती है कि याद इसलिए आती है। और क्या, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी गांधी जी ने बोले थे। याद नहीं है गांधी जी, लेकिन ये नारा है। हाँ नारा है, गांधी जी ने नहीं बोले थे। किसने बोला था वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन गांधी जी ने नहीं बोले। गांधी जी ने नहीं बोले। हाँ, 2 ऑक्टोबरला गांधीजींची जयंती राहती, आपल्याला माहितीच आहे सर्व। गांधीजी हे आपल्याकडे फेमस नेते म्हणून ओळखले जाते, त्यांना राष्ट्रपितासुद्धा म्हटले जाते। गांधीजींना म्हणजे पिता समान, आपण पिता कोणाला म्हणतो की जे आपल्याला चांगले आदर देतात, चांगले संस्कार देतात। गांधीजींनी आपले चांगले आदर दिलेले, हिंसा करू नये। आपल्याला कोणी एक कानाखाली मारली वगैरे हे मारलं तर आपण हिंसा करू नये, त्यांचं असं म्हणणं होतं। आपण बरोबर म्हणजे गांधीजीचा जो मार्ग होता त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय? गांधीजीचा मार्ग म्हणजे सत्याग्रह होता, की सत्य बोला, कोणतंही का परिस्थिती असन, कोणतीही जग सिच्युएशन असन, सत्य बोला तुम्ही, त्यांचा हेच मार्ग होतं फक्त। गांधीजी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। एक सही हो गया। अगर 3 सवाल सही दिए तो हम छोटा सा गिफ्ट देते हमारी तरफ से, ठीक है। पहला सवाल था मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा है कि फ्रंटियर ऑफ गांधी किसको बोला जाता? जो साउथ अफ्रीका में थे, क्या नाम था उनका, जिनसे इंस्पायर हुए थे गांधी जी? नाम तो याद नहीं आ रहा उनका। फ्रंटियर ऑफ गांधी मतलब सरहदे गांधी बोला जाता, जो गांधी जी को हमेशा प्रोटेक्शन देते थे। उनका नाम वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल अलग है यार। अच्छा ठीक है, एक मिनट के अंदर का समय देता, अगर नेट पे देख के बता दी तो भी एक्यूरेट में कर लूंगा। 30 सेकंड स्टार्ट। मोहनदास करमचंद गांधी। आज गांधी जयंती मनाई जाती, बट फ्रंटियर ऑफ गांधी कौन है? 2 सवाल 1 मिनट के अंदर दोनों ढूंढ के बता दो। दोनों सवाल, एक फ्रंटियर ऑफ गांधी, फ्रंटियर ऑफ गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी देखकर बोल लेना। चीटिंग है यार, ये हमने देंगे। अच्छा ठीक है, भाई ने बहुत ज़्यादा फिर भी सवाल दिए, भाई को एक कप तो बनता अपनी तरफ से। लेकिन कल के जवाब सही दिए, बट एक उसमें से नेट पर देख के दिए, लेकिन विद इन अ टाइम दिए, मतलब जो टाइम दिया गया था उसके अंदर दिए, तो हमारी तरफ से आपको कप दिया जाता। थैंक यू। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि फेमस औरंगाबादी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, ताकि आपको इनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलो थैंक यू।